हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल आ गए थे होटल में, अब निकल रहे हैं। ये हमारी पार्टी है। ये वो तो पहला सीन देजावू नहीं लग रहा? देजावू ऐसे ऐसे ये बात करी थी ना? देजावू ये ऐसी बात करती है। जाम ने बोला था कि आराम से बात करना, याद है? कल ही तो बोला था। कल कहाँ थे? तो ये सब बातें बाद में। सिर्फ यहाँ पे बहुरानी नहा रही है, बाकी ये वाली बहुरानी जो है स्वेटर पहन के टोपा लगा के, इधर देखिए एक बार, ये नहीं नहाई है और ये तो नहीं नहाई। बेइज्जती क्या, ठंडी है तो जरूरी थोड़ी है कि सब नहा के धो के निकले। मैं भी कभी नहीं नहाती, सही बोला। इतना नहाने की क्या जरूरत है ठंडी में, शरीर को तकलीफ देने से, है ना। और यहाँ पे फॉल सीलिंग। हामी लेट हो रहा है, कितना चिपका के रखी है। माता जी हमारी परेशान हो रखी है क्योंकि घर जल्दी पहुंचना है और यहीं बच्चे टाइम लगा दे रहे हैं ना मम्मी। मोजा बैग में रख दियो, थोड़ा शक्ल दिखाओ अपनी, सवेरे सवेरे चमक रही हो। ये क्यों लगा लियो? ठंडी लग रही, ठंडी तो मत उतारो, मत हाथ। आपको मालूम है आप कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? भोपाल। भोपाल में नहीं हो यार, जबलपुर में। क्या फर्क पड़ता है, मध्य प्रदेश में हम। आपको पचमढ़ी याद आता है कि नहीं? हाँ, बहुत याद आता है। कभी जाने का प्लान बना रही है? कब? माता रानी जब बुला ले चले गए। माता रानी? कौन सी माता रानी भैया? अम्बे मैया। अम्बे मैया उनका मंदिर है वहाँ पे, इसलिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है। वो अटेंड करेंगे, तब तक भाई लोग अभी आ गए हैं, चलते हैं। मास्क लगा लो सब लोग। बहुत रहनी है ठंडी में खड़ी। निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ से? यहाँ जबलपुर से। हाँ, अब निकल रहे हैं घर के लिए। अच्छा, हम लोग सोचते थे पहले जल्दी निकलेंगे लेकिन थोड़ा लेट हो गया। I'm back. तुम बैक क्या है, तुम तो यही हो, बैक क्या होता है। ये देखो, ये मेन रोड है, यहाँ पे कल बारात जा रही थी, यहाँ से कल बारात जा रही थी रात को, बहुत मस्त लग रहा था देखने में, है ना बहुरानी। और हमारा गला बैठा हुआ है इसलिए ज्यादा से ज्यादा बातें बहुरानी ही करेंगी। बोलिए क्या बोले, अभी तो बारात चली गई, कल रात ही नहीं चली गई। तो मतलब उसके बाद कुछ बोले नहीं हम लोग? नहीं बोलेंगे। और ये आपको सरनेम भाभी? सरनेम था, नहीं है। भाभी के भाई बहन है क्या? क्लासेस, वो भी देखो ठीक, इसमें दिख भी नहीं रहा है। आएगा बाद। नहीं आ रहा। हाँ बोल, बोल। नहीं आ रहा, यहाँ से दिख तो रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। मेरे को तो नहीं दिख रहा। नहीं नहीं दिख रहा, परेशान नहीं। तो ये गर्मा गर्म पोहे आ चुके हैं। ओह माय गॉड, ये लो, एक एक उठाते जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वो दुकान खोली है क्या? तो ये आ गया पोहा, हमने मतलब यही से, कहाँ से ले लिया? जबलपुर से ही लिया है। अभी जबलपुर से निकलते ही होटल से हमने ये पोहा ले लिया। अभी भाभी जी खा के बताएंगे कैसा। एक चम्मच खाइए फटाक से, पहले हम खाएं, पहले मोटू खाइए, शाम में एक बार खा के बताओ। अभी तो आधा आधा पियो, कल चाय पियोगे ना? मेरे को भी देना। ये लोग बस टेस्ट कर रहे हैं चाय, फिर हम लोग को मिलेगा भी नहीं, बोलेंगे कि अच्छा नहीं है। इधर देख के टेस्ट करो, एक चम्मच। अच्छा, मतलब ये भी टेस्ट करके मना कर दोगे तो हम लोग खाएंगे क्या फिर? दोबारा नहीं डालना उसमें, डाल दोगे? हम हटा दो उधर से, तुमको मालूम ना, नमक नहीं मालूम चलता। हाँ ठीक है, अगर अच्छा बोलते तब हम लोग मान सकते थे कि नमक कम है। ये दे दो, आलू बोंडा भी है। ये है चाय गरम गरम हॉट, ये इसमें क्या लिखा था, हॉट एंड फ्रेश टी। ये पोहा है, हम लोग इसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं लेना। एकदम धीरे धीरे लीजिए गाइस, पीती रहो।
एक समोसा और एक गुंडा लेकर के ट्राई करते हैं। नहीं, नहीं? लेकर गुंडा लेकर गुंडा एक एक वो वाला गुंडा नहीं है, आलू बोंडा है। तो ये है हमारी चाय गाइस, ठीक है। और जल्दी जल्दी काम करो। तो हम लोगों ने पोहा खा लिया, इतना अच्छा नहीं लगा लेकिन भूख लगी थी और गरम गरम था तो। इंदौर के पोहे का कोई मैच ही नहीं, हर जगह पोहा का रेट लगा लेते लेकिन बनाना नहीं सीखते, बनाना नहीं सीखते। इंदौर के पोहे अच्छे लगते हैं, चटक नहीं है, कोई नमक नहीं, ऊपर से मसाले डलवाने के बाद मतलब चाट मसाला डालने के बाद भी जो फीका लगा है। मूंगफली अलग से भून के रखा हुआ है, बस ऐसे टपका रहे एक दाना, क्या करें ज्यादा ना गिर जाए। भूख लगी है तो क्या करें, पापी पेट माने ना। अरे बंद कर दी, टॉकिंग हो रही है, बंद कर दिया ना, वहीं से तो बंद करो। ठीक है कोई बात नहीं, अरे सब रिकॉर्ड हो जाएगा यार। तो अभी हम लोग 144 अभी हम लोग जबलपुर से चल चुके हैं और जल्दी ही हम लोग पहुंच जाएंगे घर, शाम तक पहुंचेंगे, जल्दी तो नहीं है लेकिन फिर भी पहुंच जाएंगे। तो घाटी से उतर रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है, एकदम मस्त मस्त पहाड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी नहीं घाटी, मतलब नीचे उतर रहे पहाड़ से। अब हम लोग इस तरफ में देख सकते हैं पूरा पत्थर से लदा हुआ है, मिट्टी खोद रखी है। नेहा के मायके आ रहे हैं हम लोग है? नेहा मतलब मेरा नहीं, मतलब नेहा मिश्रा के मायके आ रहे हैं, आने वाली नेहा के। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये मैडम जी बताएंगी आपको। नेहा मिश्रा जो बहू रानी है उनके नई नवेली, उनके मायके हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। वो जो बूंदी आई थी ना वो सगाई में उसके हम लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से कि दोबारा वो लड़ू आए, अरे बाप रे, हम लोग खाएं एंजॉय करें। हाँ ये उनके पास नहीं जा रहा, ये यूट्यूब पे जा रहा है। अरे यार इलाहाबाद के जो हल्दीराम के बूंदी है ना वो बहुत फेमस है। आप लोग भी सर्च करिए, खाइए खाइए, अच्छा फेमस है एकदम। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं था वैसे, बस ऐसे मम्मी को। ये जो वीडियो है ना ये हम लोग यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, हम लोग हल्दीराम के लिए नहीं बना रहे। वो भी सुनेगा तो हमारे चैनल को वो करेगा ना, सब्सक्राइब कर। चलो हल्दीराम भैया आप भी सब्सक्राइब कर दो। हल्दीराम वाली कौन सी, अच्छा दोबारा बताओ, अच्छे से बताओ कौन सी वाली मिठाई आपको पसंद है। वो बूंदी आती है ना, हाँ बड़ी बूंदी वाली, बड़ी बड़ी बूंदे की लड्डू बनता है, जिसमें चाशनी बहुत गाढ़ा रहता है, जिसमें चाशनी थोड़ा गाढ़ा रहता है और वो फूट फूट भी सकता है आराम से, लड्डू ही रहता है, लड्डू लगता है कि बना है लेकिन बिखरा रहता है। वो टेस्टी, बहुत टेस्टी लगता है उसको। हमारे समधी साहब सगाई मिलने के आए थे, हम लोग को बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद आया, हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं उनके कि ये वाले लड्डू तो जरूर भेजेंगे। जलूल जलूल भेज, जलूल जलूल भेजने। अरे नहीं यहाँ बताए ये तो उतना नहीं, जैसे शादी का कार्ड रहता है ना तो उस पे नीचे लिखा रहता है कि हमारे भैया की शादी में जलूल जलूल आना, तो छोटे बच्चे के हिसाब से लिखा रहता है, तो वैसा वो वैसा उस टाइप का बोल रहे थे। हाँ तो हम लोग भी जाएंगे इलाहाबाद तो सर्च करेंगे वैसे वाली मिठाई पर, क्या पता मिल जाए तो बहुत सारी लेके आएंगे, गाँव में बैठ के खाते रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे रहेगा, क्या करेंगे मिठाई, शादी के टाइम वही रहेगा कि किसको दे दे कौन खा ले, वही सच जाए। बड़े भैया थोड़ा आगे लो ना, बोलते भी रहो, बोलते क्या रहेंगे वो यार।